दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज ये एमसीसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो हमारे डियर फ्रेंड्स, जिसमें आज हम मैप नेटवर्क ड्राइव के बारे में बात करेंगे। तो मैप नेटवर्क ड्राइव का मतलब है कि एक ऐसी ड्राइव जो नेटवर्क में अवेलेबल हो। नेटवर्क में अवेलेबल हो का मतलब जब आप किसी सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर को देखेंगे तो वहां पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक जो मेन सर्वर है या फिर एक जो कंप्यूटर है, वहां से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स बने होते हैं और उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी डेटाबेस होता है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर होता है। तो उस संबंधित डिपार्टमेंट वाले उस पर्टिकुलर फोल्डर को नेटवर्क यूटिलिटी के थ्रू एक्सेस करते हैं। नेटवर्क यूटिलिटी का मतलब वो रन में जाएंगे, डबल स्लैश लगाएंगे और उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का आईपी मेंशन करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करेंगे। तो ये उन्हें बार बार और टाइमली करना पड़ता है। तो ऐसा उन्हें ना करना पड़े इसलिए उस पर्टिकुलर शेयर्ड फोल्डर की ड्राइव जो है उनके माई कंप्यूटर में ऐड हो जाए, यही पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो मैप नेटवर्क ड्राइव है। मतलब एक शेयर फोल्डर को आपके माई कंप्यूटर या दिस पीसी के अंदर एज अ ड्राइव यहां पे एग्जिस्ट कर देना है, जिससे कि जब भी आपको उस पर्टिकुलर शेयर फोल्डर के अंदर कोई डेटा स्टोर करना है या कोई पर्टिकुलर फोल्डर कोई डेटा एक्सेस करना है तो सिंपली आप डबल स्लैश यूटिलिटी ना यूज करते हुए अपने माई कंप्यूटर में आए, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल होते हैं। तो सिंपली आप माई कंप्यूटर में आए, अपनी ड्राइव एक्सेस करें और जो आपको करना है करें। तो इसके लिए कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक शेयर फोल्डर है उसको एज अ ड्राइव नेटवर्क में एज अ ड्राइव यूज करना है, तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक का नेम है मैप नेटवर्क ड्राइव। तो मैप नेटवर्क ड्राइव बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली आपके पास दो कंप्यूटर होने कंपलसरी हैं और दोनों नेटवर्क में कनेक्ट होने कंपलसरी हैं। जैसा कि मेरी एक एक्चुअल मशीन है, उसके ऊपर मेरी ये वर्चुअल मशीन चल रही है, तो दो मेरी मशीनें हैं यहाँ पे। और मैं सबसे पहले आपको सीएमडी वेरीफाई करा दूं कि मेरी इस एक्चुअल मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो सीएमडी में गए और यहाँ पे लिखा आईपी कॉन्फिग लिख के हिट किया, तो मेरे इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है माय डियर फ्रेंड्स वो है 10.0.0.2। साथ के साथ मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे चलता हूं, यहां पे भी सीएमडी ओपन करेंगे और यहां पे भी आईपी कॉन्फिग आप टाइप करेंगे, आईपी कॉन्फिग हिट करेंगे तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो है 3। तो क्या ये मशीन अपने 2 वाली मशीन को पिंग कर रही है? तो यहां पे सीधे आप पिंग यूटिलिटी यूज करेंगे, पिंग 10.0.0.2। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये मशीन प्रॉपर अपनी दूसरी मशीन को पिंग कर रही है, मतलब एक्चुअल मशीन को पिंग कर रही है। साथ के साथ हम यहां चलते हैं और यहां देखते हैं कि ये एक्चुअल मशीन जो है वर्चुअल मशीन को पिंग कर रही है कि नहीं। तो पिंग 1.10.0.0.3 एंटर। तो ये दोनों ही मशीनें आपस में एक दूसरे से प्रॉपरली पिंग कर रही हैं। अब मुझे अपनी एक्चुअल मशीन से एक फोल्डर बना के शेयर करना है, जिससे मेरी वर्चुअल मशीन उसे एक्सेस कर सके और उसकी मैप नेटवर्क ड्राइव बना सके। तो मैंने यहां डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर का नाम दे देता हूं मैप, MAP, ठीक है। सिंपली आइडेंटिफाई होता रहेगा, मैप मीन्स मैप नेटवर्क ड्राइव। अब इस पर्टिकुलर फोल्डर को यहां पे बना दिया गया है। वैसे ये पर्टिकुलर फोल्डर किसी ड्राइव में होगा, ध्यान रहे जब भी आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर फोल्डर किसी डेस्कटॉप पे नहीं होगा, ये एक स्पेसिफिक ड्राइव में होगा और वो ड्राइव बेसिकली सी ड्राइव नहीं होगी, कोई अन्य ड्राइव होगी जिसमें विंडो इंस्टॉल होती है, उसमें कभी भी कोई हम डेटाबेस स्टोर नहीं करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपको डेमो दिखाना है इसलिए मैंने यहां डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दिया है। फोल्डर को हम प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, शेयरिंग टैब पे चले जाएंगे और इस पर्टिकुलर फोल्डर को एडवांस शेयरिंग के थ्रू यहाँ पे शेयर दिस फोल्डर को चेक करेंगे, परमिशन दे देंगे, अलाउ फुल कंट्रोल, अप्लाई ओके क्लोज। ये फोल्डर मेरा प्रॉपर तरीके से बना है और ये शेयर्ड भी है। तो क्या ये इसको वर्चुअल मशीन एक्सेस कर सकती है? चलते हैं, रन में जाते हैं, डबल स्लैश लगाते हैं और उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का एक्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस जो कि 10.0.0.2 है, इस पर्टिकुलर आईपी को मेंशन करके हिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पे मैप नाम का एक पर्टिकुलर फोल्डर यहां पे एज अ शेयर्ड फोल्डर यहां पे अवेलेबल हो रहा है। तो जब भी इस वाली मशीन को इस फोल्डर को एक्सेस करना है तो बार बार उसको रन यूटिलिटी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ना करना पड़े इसलिए हम ये पर्टिकुलर जो है फोल्डर माई कंप्यूटर में एज अ ड्राइव अवेलेबल कराएंगे। अभी आप यहां देख सकते हैं यहां पे कोई ड्राइव एडिशनल नेटवर्क ड्राइव कोई यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अभी हम इस पर्टिकुलर फोल्डर की ड्राइव बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे एक बार आप नेटवर्क यूटिलिटी यूज करते हुए उस फोल्डर को एक्सेस कर लेंगे, फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन नजर आएगा मैप नेटवर्क ड्राइव। मैप नेटवर्क ड्राइव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर ड्राइव का जो लेटर है, आप लेटर यहां पे कोई भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी लेटर आप चूज कर सकते हैं जो भी आपका फेवरेट हो। बाय डिफॉल्ट जो लेटर आएगा वो जेड से आएगा और अगली ड्राइव बनाएंगे वाई एक्स
तो यहां उल्टे फॉर्म में चलेगा, जो लेटर आएगा वो उल्टे फॉर्म में चलेगा जेड की तरफ से। तो अभी फिलहाल में इस पर्टिकुलर फोल्डर, इस पर्टिकुलर ड्राइव का जो लेटर अलॉट होगा वो होगा जेड, और ये इस पर्टिकुलर वो ड्राइव जो शो होगी वो /10.0.0.2/map जो उसका फोल्डर नेम है उस नेम से ये पर्टिकुलर ड्राइव यहां पे डिस्प्ले करेगी। जैसे ही आप फिनिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये ड्राइव, ये पर्टिकुलर फोल्डर आपके माय कंप्यूटर में मींस दिस पीसी के अंदर एक ड्राइव जैसा यहां पे नेटवर्क लोकेशंस, बेसिकली नेटवर्क की ड्राइव यहां पे अपीयर हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर ड्राइव की जो लोकेशन है आपकी वही लोकेशन है जो आपके फोल्डर की लोकेशन है। मतलब ये पर्टिकुलर फोल्डर जो है वो 10.0.0.2 पे बना हुआ है, वहां पे ये एक्सेस करके एज अ ड्राइव यूज किया जा रहा है। अब इसके अंदर जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्मेंस देंगे, मैंने एक फाइल बना दी यहां पे demo.txt मैंने बना दिया, मैंने इसमें कुछ मेंशन करके सेव भी कर दिया। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो भी मैंने करी है, ये एक्टिविटी मेरी एक्चुअल मशीन के उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी जो हम वहां करेंगे। यहाँ पे जो एक्टिविटी करेंगे वहां पे अपडेट होती रहेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बिट मैप इमेज बना दिया, चलो एक मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेस की एक फाइल बना दी, और चलते हैं इस वाली मशीन पे, वर्चुअल मशीन पे, और दिस पीसी के अंदर जाके अपनी ड्राइव ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर एक्सेस जो एमएस एक्सेस की फाइल बनाई थी वो यहाँ पे प्रॉपर एक्सेस हो रही है। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर शेयर फोल्डर है, और उस पर्टिकुलर शेयर फोल्डर को नेटवर्क में एज अ ड्राइव अवेलेबल करवाना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्पेशल फीचर दिया हुआ जिसका नाम है मैप नेटवर्क ड्राइव, और इस पर्टिकुलर मैप नेटवर्क ड्राइव यूटिलिटी को यूज करते हुए आप किसी भी पर्टिकुलर शेयर फोल्डर की एज अ लोकल ड्राइव बना सकते हैं। बेसिकली वो नेटवर्क ड्राइव होगी, पर आपके माई कंप्यूटर के अंदर वो एज अ ड्राइव डिस्प्ले करेगी। जब जी आए तब आप उस पर्टिकुलर ड्राइव को ओपन करें, उसमें से डेटा एक्सेस करें, उसमें डेटा स्टोर करें, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा मैप नेटवर्क ड्राइव। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।